बिग बॉस में नजर आई थी अक्षय की ये बहन लकवे का शिकार हुआ था चेहरा। इस चेहरे को क्या पहचाना अपने, इसे हम 90 के दशक में टीवी और बिग स्क्रीन पर खूब देख चुके हैं। ये हैं खूबसूरत पॉप स्टार और एक्ट्रेस रागेश्वरी लुम्बा, जो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और आंखें जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में रागेश्वरी सैफ के लव इंटरेस्ट और अक्षय की बहन के रोल में नजर आई थी। रागेश्वरी के चेहरे की मासूमियत को देखते हुए उनको डॉल कहा जाता था, लेकिन कुछ साल पहले वे एक पैरालिसिस की शिकार हो गई थीं। उनके शरीर के दाएं हिस्से पर लकवे का अटैक हुआ था। इसके बाद न तो वे कुछ बोल पाती थीं और न ही ठीक से कुछ खा पी सकती थीं। हालांकि साल भर के भीतर ही योग और फिजियोथेरेपी की मदद से खुद को उन्होंने वापस फिट कर लिया। गायिका रागेश्वरी अपने पति सुधांशु स्वरूप के साथ लंदन में रहती है। उन्होंने सुधांशु के साथ 27 जनवरी 2014 को शादी की थी। 25 जुलाई 1977 में जन्मी इस खूबसूरत और चुलबुली सिंगर ने पिछले साल फरवरी में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान रागेश्वरी ने कहा था कि मैं 40 की उम्र में प्राकृतिक रूप से गर्भवती हूं और इस बात से मैं बहुत खुश हूं। 40 साल की उम्र में मां गर्भवती होने पर रागेश्वरी ने एक इंटरव्यू में महिलाओं के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मैसेज भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बात को मैं उन सभी महिलाओं के बीच पहुंचाना चाहती हूं जो ये सोचती हैं कि अब उनके पास टाइम नहीं है। ऐसा मत सोचें, अपने शरीर और खुद पर विश्वास बनाए रखें। हर कपल को हक है कि वे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाए। रागेश्वरी को उनके पॉप सिंगिंग करियर से लोगों के बीच पहचान मिली थी। उनके दुनिया चाहत और रफ्तार एल्बम के गाने लोगों के बीच काफी मशहूर हुए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रागेश्वरी नेशनल अवार्ड के विजेता रहे संगीतकार त्रिलोक सिंह लुम्बा की बेटी हैं। रागेश्वरी छोटे पर्दे के शो बिग बॉस के सीजन 5 में भी हिस्सा ले चुकी हैं।